आप अगर दुनिया की हिस्ट्री पढ़ें तो जब से स्टीम इंजन आया तो अनाज और तलवार के साथ साथ एनर्जी एक पिलर बन गई नेशनल सिक्योरिटी का। आपके मुल्क में आज क्राइसिस है एनर्जी का, क्योंकि हमने फोकस नहीं किया। दुनिया में हर मुल्क के लिए एनर्जी क्रिटिकल है। आपने अमेरिकन पॉलिसी देखी होगी कि वो गल्फ में बैठे थे या तेल था, फलानी जगह बैठे हैं वहाँ गैस है। सो जब से स्टीम इंजन आया तो एनर्जी बिकेम अब वन ऑफ द प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। जब से सेमीकंडक्टर आया, टुडे द फोर्थ इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इज़ अ सेमीकंडक्टर। ये जितने कैमरे आपके हैं, सेल फोन्स हैं, ये माइक्स हैं, ये कोई भी काम नहीं कर सकता विदाउट अ सेमीकंडक्टर। और अगर उस सेमीकंडक्टर के ऊपर हमने तवज्जो ना दी तो गैस के जो क्राइसिस तो आपने देख रहे हैं एनर्जी के, इसका क्राइसिस इससे कहीं ज़्यादा होगा। जो मिनिस्टर साहब ने अभी इशारतन बात की, दुनिया की दो बड़ी कुव्वतें इस वक्त सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। उस कोशिश में एडिशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। प्रेसिडेंट शी ने चाइना में एक बिग फंड के नाम से इनिशिएटिव लिया है, जिसमें $400 बिलियन उन्होंने कमिट किए हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। उस $400 बिलियन के ऊपर 35,000 नई कंपनियां बनी। उन नई कंपनीज़ को 5,00,000 इंजीनियर्स चाहिए। पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा रिसोर्स है ऑफ टेक्निकल इंजीनियर्स एंड टेक्निकल रिसोर्स का, लेकिन वो गाइडेड नहीं है, वो मार्केट स्किल्स में ट्रेंड नहीं है, वो इस जॉब मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने रिसोर्स को ट्रेन करें और इन 5,00,000 जॉब्स में से इंशाल्लाह कोशिश करें कि कम से कम 1,00,000 जॉब्स पाकिस्तानियों के हिस्से में आएँ।